हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट सेकेंड पोएम हु हैज सीन द वाइंड। नाउ स्टार्ट द पोएम। हु हैज सीन द वाइंड, वाइंड होता है हवा, पवन, ठीक है। नाइदर आई नोर यू, हवा को किसने देखा है, ना ही आपने और ना ही मैंने। बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द वाइंड इज पासिंग थ्रू, लेकिन हम देखते हैं कि पत्तियां हिलती हैं तो किस लिए हिलती हैं, हवा चलती है इसलिए। हु हैज सीन द वाइन, वाइन को किसने देखा है, नाइदर यू नोर आई, ना ही आपने और ना ही मैंने। बट वैन, परंतु जब, द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, पर जब ऐसे ट्रीज झुक जाते हैं, द वाइन इज पासिंग बाय, तो हवा वहां से गुजरती है। देखिए मीन्स है इसका, हवा हमें दिखती नहीं है, ठीक है ना, किसी को भी नहीं दिखती हवा, बट फिर भी हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। जैसे अब ये पेड़ है तो एक साइड झुका हुआ है, ये बो डाउन देयर हेड, तो इसका ऐसे सिर झुका हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये किस कारण है, जब तेज हवाएं चलती हैं उसकी वजह से, ठीक है। इसके आपको फिर ये दो क्वेश्चन करने हैं। कैन वी सी द वाइन, कि आप हवा को देख सकते हो, यस, हाँ, नो, नहीं, तो नो आंसर आ जाएगा इसका, ऐसे आपको टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द ट्री बो डाउन देयर हेड, जब पेड़ का सिर झुकता है, डैश इज पासिंग बाय, तो उसमें से क्या गुजरता है, एयर, हवा, वाइंड, पवन, तो वाइंड, क्योंकि एयर, हवा, वाइंड, हवा, वाइंड को सॉरी हम हवा भी बोलते हैं, बट ये पवन काउंट होगी, क्योंकि हवा होती है एक नॉर्मल हवा चलती है, और वाइंड मतलब थोड़ी सी उससे तेज, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वाइंड। तो ये आपको करने हैं, और ये वाले दो क्वेश्चन है जो ये आपको नोटबुक में करने हैं, वो मैं आपको भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।